नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ चार लोगों ने, दीपाली यादव जी ने, श्रीम शर्मा जी ने, अनूप पांडे जी ने और पूजा तिवारी जी ने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं। आप चारों लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको यदि मेरी पुस्तक नवीन तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन आपको लेनी हो तो आप अमेजोन से ना लेकर सीधे मुझसे लीजिएगा, मैं आपको उसमें डिस्काउंट जरूर दूंगी। ऐसे ही साथ बनाए रखिए, भविष्य में ये आपके बहुत काम आने वाला है। और उसके अलावा नंदनी जी और दिलखुश जी, हिमानी जी और पुपरी कलाम जी, आप सभी का कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग उत्तर देते तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के 80 पेज पूर्ण हो चुके हैं, है ना। भक्ति काल की भी एक धारा हमने पूर्ण कर ली है और मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इससे आपको, अगर ध्यान दे रहे होंगे, पूरा वीडियो देख रहे होंगे, तो इससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्नों की भी मैं बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी जल्दी करने वाली हूँ। चलिए अब आज शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल आपको बता ही चुके हैं। भक्ति काल है संवत 1375 से 1700 तक, प्रकरण तृतीय चालू शुरू हो गया हमारा। निर्गुण धारा के, पहले हमने निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी पढ़ रहे थे ना, कबीर आदि को हमने पढ़ा उसमें, रैदास जी को, कबीर को। अब हम निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी यानी सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम मार्गी, प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है, लौकिक प्रेम में मिलता है। निर्गुण जो निर्गुणोपासक भक्त थे, जो वो लौकिक यानी सांसारिकता से दूर रहने का संदेश देते थे, लेकिन सूफी क्या कह रहे हैं, सूफी लौकिक प्रेम की ही गाथाएं गाएंगे, है ना। वो हमारे सांसारिक प्रेम में, नायक नायिका के प्रेम में ही ईश्वर को मिलाने वाला आभास होगा, उनकी गाथाएं कुछ ऐसी होंगी। चलिए मग्न हो, सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुन। कुतुबुन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबुन किसके आश्रित थे, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, ध्यान रखिएगा। अतः इस इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग लगभग संवत 1550 था, ठीक है। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी अर्थात संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार, चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास दिए हैं, ठीक है। चलिए अब कहानी का सारांश देख लेते हैं। कुतुबुन जी की जो मृगावती है उसके सारांश देख लेते हैं। कहानी का सारांश ये है कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव का जो पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। वह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया।
अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर कि राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा है, राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और मार्ग में उसने रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। ठीक है, ये कहानी थी कि मृगावती मतलब गणपति देव का पुत्र मोहित हो गया मृगावती पे, और वो राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी, है ना। बहुत कष्ट झेलकर वो उसके पास तक पहुंचा, लेकिन मृगावती एक दिन उड़कर कहीं चली गई। जब राजकुमार उनको ढूंढने निकलते हैं तो रास्ते में वो रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाते हैं। उनके पिता उसका विवाह उसके साथ कर देते हैं, रुक्मिणी के साथ। अंत में वो उस नगर पहुंच जाता है जहां पर मृगावती उस रहे है। और मृगावती क्या कर रही है, क्योंकि मृगावती के वहाँ पिता की मृत्यु हो गई तो वो वहाँ पर राज सिंहासन में बैठकर राजकाज देख रही थी। अब वहाँ पर ये राजकुमार 12 वर्षों तक रहते हैं। बाद में इनके पिताजी इनको घर बुला लेते हैं, तो ये दोनों राजकुमारियों को लेके घर रानियों को लेके सॉरी घर लौट जाते हैं। अंत में जब वो शिकार खेल रहे होते हैं तो हाथी से गिर के मर जाते हैं और दोनों रानियां इनके साथ सती हो जाती हैं। ये थी मृगावती की कहानी। इसमें नायक का नाम नहीं दिया है, नायिका है मृगावती और रुक्मिणी। रुक्मिणी रुक्मिणी पूरी वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। ठीक है, ये सती होने के टाइम की इसमें चौपाइयां दी हुई हैं। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित ना जाने आनु, जो सिर जाज सो जाही नहीं आनु। ठीक, ये थी कुतुबन की। इसमें आपको नायक नायिका के नाम पता होने चाहिए, सन पर, और कुतुबन की जो मृगावती और मृगावती के लिखने का सन, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहानी आपने सुन ही ली है, तो अगर कूट संबंधी भी कोई प्रश्न आएगा तो अब आपका गलत नहीं होगा। मंझन, मंझन इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और एक स्निग्ध हृदय का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी चौपाइयों के पांच चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयगाही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जा रही। आपने अभी मृगावती की कहानी सुनी, बहुत ही सरल कहानी थी। राजकुमार जाते हैं, ढूंढते हैं, रास्ते में को बचाते हैं और अंत में दोनों राजकुमारियों को लेके वापस लौट आते हैं अपने राज्य, और जब वो मर जाते हैं तो दोनों रानियां उनके साथ सती हो जाती हैं। बहुत छोटी सी कहानी थी, पर ये मधुमालती की कहानी कुछ इससे जटिल है। चलिए वो भी देख लेते हैं क्या कहानी है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर, नायक हो गए मनोहर। मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारास नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वाह, मनोहर राजकुमार को जो सो रहे थे उनको उठाकर अप्सराएं कहाँ रखाई, मधुमालती की चित्रसारी में। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पे रखाई। जब दोनों अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हो गए।
राजकुमार योग के से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, इसमें ईष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई दी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया है। मनोहर राजकुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा, वह मेरी सखी है, मैं तुम्हें उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा के पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था है, पर प्रेमा ये कहकर अस्वीकार कर देती है कि मनोहर मेरा भाई है, मैंने उसे अपनी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। वहाँ पर रुक्मिणी विवाह कर लेती हैं। यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, वो मना कर देती है, कहती है कि मैंने इन्हें भाई माना है और मैंने इनसे वादा किया कि मैं इन्हें मधुमालती से मिलाऊंगी, ठीक है, ये कहकर वो विवाह करने से मना कर देती है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ राजकुमार मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर के प्रेम छोड़ने के लिए कहने लगी। जब उसने ना माना तब माता ने साप दे दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और बिलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता नहीं लगा। अब मृगावती में वो उड़ने की कला जानती थी और मधुमालती खुद ही पक्षी होकर उड़ गई। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वे कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे सोने के पिंजड़े में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलवाऊंगा। अंत में वह उस पिंजड़े को लेकर महारस नगर पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़का, वह पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह कराने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा, मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलवाऊंगा, ठीक है। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी, इतने में ही उसकी सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचे हैं। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन, जो प्रेमा के पिता थे, के नगर में जाते हैं और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर और मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि बनकर रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटते टाइम ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते हुए देखकर प्रेमा मोहित होकर मूर्छित हो जाती है और मधुमालती और उसकी सखियां उसके उपचार में लग जाती हैं। ये देखिए, मनोहर और मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक उसके यहाँ रुकते हैं। एक दिन जब वो आखेट से लौटने पर
ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते हुए देखते हैं तो प्रेमा पर मोहित होकर गिर जाते हैं। फिर मधुमालती और उसकी सखियां उसके उपचार में लग जाती हैं। आगे की प्रति खंडित है। कथा के झुकाव से अनुमान होता है प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ में प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थता का भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योन्यांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। वहाँ पे जो उपनायिका थी वो थी रुक्मिणी, जिनका ब्याह राजकुमार के ही साथ में होता है। यहाँ पर एक नायक भी रखा है इन्होंने, मंझन जी ने मधुमालती में, और इसके उपनायक उपनायिका भी ध्यान रखिएगा ताराचंद और प्रेमा पूछे जा सकते हैं। सूफियों के अनुसार ये सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है जिसका अवलंबन करके जी उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति को देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन कहते हैं। मतलब वो हर चीज में ईश्वर को ही देखते हैं, उसी प्रेम मूर्ति को देखते हैं। देखत ही पहचान्यो तो ही एही रूप जही छद्रयो मोही, एही रूप बुत है छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति सौ सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीयू, एही रूप प्रकटे बहु भेसा, एही रूप जंग रंग नरेसा। ठीक है, ईश्वर का विरह सूफियों के लिए यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। इसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे तपारा, विरह की जगत अभिरथा जाही, विरह रूप ये सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सगरही गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे तन विरह की तन तन होई। ठीक है, अर्थ देख लीजिए इसका। जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए ये संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है, और इसमें परमात्मा के आभास उसके आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब ये देखना है कि इस सृष्टि के सारे रूप सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना यद्यपि ठीक ठीक संबद्ध मंझन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संबद्ध ज्ञात नहीं हो सका है, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संबद्ध 1550 और 1595 यानी पद्मावत के रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे अर्थात कुछ बाद में हुई। इस शैली में के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व में किए हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है, है ना? इससे पता चलता है कि इसके पूर्व में इसकी रचना हुई होगी, और पद्मावत इस शैली में लिखा हुआ उत्कृष्ट काव्य है। विक्रम धासा प्रेम के बारा, सपनावती कह गहु पतारा, मधुपाच मधु मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुमार कंचनपुर गययो, मृगावती कह जोगी भययो, साधो कुवर खंडवत जोगू, मधुमालती कर कीन वियोगू, प्रेमावती कह सुर वर्ग साधा, ऊषा लागी निरुधा बर बाधा।
इन पद्यों में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन पद्यों में चार पहले के काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, इसमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अभी नहीं मिले हैं। तो आप जब हिंदी की तैयारी करते होंगे तो मृगावती और मधुमालती आप भी दोनों आपके लिए जाने माने नाम होंगे, लेकिन मुग्धावती और प्रेमावती क्योंकि अभी मिले नहीं है इसलिए शायद ये आपके लिए नए नाम होंगे। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुद्मन की मृगावती के पीछे की ठहरती है। जायसी का जो उदाहरण दिया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी के अक्षरों में ही मिली हैं। मैंने ऐसी चार प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है, ठीक है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में ही पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। और ये प्रश्न आपको भी पता है, पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी पोथियां पढ़ा करते थे, तो ध्यान रखिएगा कौन सी पढ़ते थे, मृगावती और मधुमालती, ठीक है। घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर लिखी दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे, ठीक है। इनके एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में यानी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है ये आखिरी कलाम, ये बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है, याद रखिएगा। जो आखिरी कलाम है ये बाबर के समय में लिखी गई थी, प्रथम मुगल बादशाह के टाइम पे आखिरी कलाम लिखी गई थी और उसमें उनकी बार बार प्रशंसा भी की गई थी। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, ठीक है। भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, मतलब 9वीं सदी में मेरा जन्म हुआ तो 30 वर्ष के बाद में मैं कवि हुआ। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म का 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ ये निकलेगा कि जन्म के से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस
पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। अब ये जो जायसी की पंक्तियां हैं, ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना। ये वाली भी पंक्ति आपको याद होनी चाहिए, ये किसके बारे में कही गई है। भावतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, और इन्होंने किसके टाइम से, बाबर जो प्रथम मुगल बादशाह था उसके टाइम पे आखिरी कलाम लिखी थी ना, जिसमें उन्होंने बार बार बाबर की प्रशंसा की। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के आरंभिक वचन आरंभी बैन लिखा है ना, ने कवि ने 927 हिजरी यानी सन 1520 के लगभग में कहे हैं, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त यानी शेर शाह की प्रशंसा की है, है ना। मतलब कुछ तो उसने बाबर के ग्रंथ के आरंभ में मसनवी की रूढ़ी के अनुसार, मसनवी शैली आरंभ करते वक्त उस समय जो साहे वक्त होता था, जो बादशाह होता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसी रूढ़ी के अनुसार इन्होंने शेर शाह की प्रशंसा की। आखिरी कलाम लिखी बाबर के टाइम पे, और इसमें पद्मावत में किसकी प्रशंसा की है, शेर शाह की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शेर शाही दिल्ली सुल्तानु चार खंड तपे जस भानु, ओहि छाज छात ओ पाटा सब राजे भुई धरा लिलाटा, ठीक। अब शेर शाह का शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 में हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से ही पद्य सन 1520 में ही बनाए, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष बाद शेरशाह के समय पर पूरा किया। पद्मावत मतलब अभी इसका शुरू का पद्य आपने पढ़ा ना, पद्मावत के आरंभ में उन्होंने लिखा है भा अवतार मोर 9 सदी, ठीक है, 30 बरस पीछे कवि बदी, तो 30 बरस बाद उन्होंने कुछ पद्य लिखे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा जो ग्रंथ है वो कब किया, शेरशाह के टाइम पे, जो 1540 से शुरू होता है। यानी कि इन्होंने अपना जो ग्रंथ था वो पूरा शेरशाह के टाइम पे किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास अलो उजाला नाम के एक कवि से करवाया था, उसमें भी 9 से 27 का ही पाठ किया गया है। मतलब उसमें भी 927 का ही पाठ किया गया है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27 900। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं। इसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह से लिखे जाएंगे। इसे कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है, ये भी हो सकता है। जायसी अपने समय के प्रसिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नासिरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहां तक ठीक का है, ये कहा नहीं जा सकता। ये कहानी इनकी सुन लीजिए। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि बादशाह इनके रूप को, कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था।
इस पर वो बोले, मोहिका हसेस की कुहारे ही, इसको हमने कई जगह पढ़ा है, मोहिका हसेस की हसेस कुहारे है ना, इसके समय से में ही इनके कई शिष्य फकीर इनके बनाए हुए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जायसी ने कहा था शेरदास जी से कि मेरे ऊपर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार के ऊपर, है ना, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से में भरी चौपाइयां कही गई हैं। अब अखरावट, अखरा से आखर अक्षर समझ आ रहा है ना, तो अक्षर के आधार पर ये लिखी गई है, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं आप, अखरावट एक एक अक्षर से। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, आखिरी में कयामत ही आती है, तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जैसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से प्रकट होता है, हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वे अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कबीर ने जिस तरह से फटकारा ना, तो वो ऐसा लगता था कि वो चिढ़ा रहे हैं, वो मन को छू लेने वाला नहीं था। मनुष्य मनुष्य के बीच में जो रागात्मक संबंध है, वो उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे ना। कुतुबुन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन की दशाओं को सामने रखा, जिसका मनुष्य मात्र के हृदय में एक प्रभाव सा दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने रख कर अजनबीपन मिटाने के लिए किसका नाम लेना पड़ेगा, इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पंक्ति पूछ ली जाती है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रति, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य अपने सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी के द्वारा पूरी हुई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे, हालांकि अभी इसमें और बाकी है, लेकिन हम अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। आज के प्रश्न पूछ लेते हैं, हालांकि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत व्यर्थ में ही मेहनत कर रही हूँ, पर देखते हैं। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ, देख लीजिए। आज के प्रश्नों के मैंने शायद उत्तर नहीं दिए ना, हाँ, पहले आप प्रश्न लिख लीजिए फिर मैं उत्तर दे देती हूँ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और निर्गुण संप्रदाय में सबसे पढ़े लिखे कौन से संत थे, ये बताइएगा। अक्षर अनन्य का संवत, अक्षर अनन्य के वर्तमान होने का संबंध बताइएगा। आप ये बताइएगा कि
जो मलुकदास जी थे उनके समय पे कौन से मुगल शासक की सत्ता थी, ठीक है, और मलुकदास जी की दो पुस्तकों के नाम बताइएगा, ठीक है। ये आज के प्रश्न है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आगे से कोशिश करूँगी कि इतना लंबा ना हो, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँ मैं। चलिए, पूजा तिवारी जी ने सबसे अच्छे से उत्तर दिया, मैं उन्हीं के उत्तर आपको पढ़कर सुनाती हूँ। साधु संप्रदाय रैदास जी की परंपरा का है। इसकी स्थापना रैदास जी के शिष्य उदयभान के शिष्य वीरभान ने संवत 1600 में कही थी। ये संप्रदाय फरखाबाद और मिर्जापुर में पाया जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार और कह रैदास खलास समार, ये उक्तियाँ रैदास जी की हैं। दादू सिद्धांत की दृष्टि से कबीर मार्ग के अनुयायी थे। चौथा प्रश्न, दादू पंथ दादू दयाल जी ने चलाया था और भराने की पहाड़ी पर दादू पंथ का प्रधान अड्डा है। आखिरी उत्तर है, गुरु नानक जी का जन्म संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु संवत 1596 में हुई थी। ये सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। बहुत अच्छे से इन्होंने उत्तर दिए थे। सभी उत्तर देने वालों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ बनाए रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।